आपको बताएं पैरागॉन करप्शन स्कैंडल केस में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पैरागॉन सिटी केस में नैब मुश्तरका टीम को बयान कलमबंद कराने के बाद वापस रवाना हो गए हैं। नैब ने ख्वाजा ब्रादरान को रिकॉर्ड समेत तलब किया था। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर सुहेल अब्बास बलूच से। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा ख्वाजा ब्रादरान अपने बयान से किस हद तक नैब को मुतमईन कर पाए हैं? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से साबिक जो वफाकी वजीर रेलवे हैं ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई जो सूबाई वजीर हैं ख्वाजा सलमान रफीक, दोनों को नैब ने आज तलब किया हुआ था और नैब की मुश्तरका टीम के सामने वो पेश हुए और उसके बाद एक घंटे तक नैब मुश्तरका टीम ने उनसे पूछताछ करते हुए उनके बयान कलम बंद किए। नैब की जानिब से उन्हें एक सवालनामा जारी कर दिया गया है जिसके जवाब वो नैब को जल्द जमा करवाएंगे और नैब की जानिब से उनके असासजात की तफसीलात भी तलब की गई थी और नैब की जानिब से एक घंटा जो आज उनसे तफ्तीश की गई है उसके अंदर उनसे मुख्तलिफ सवालात करते हुए उनसे जवाब तलब किया गया और उनके बयानात को लुपलम बंद किया गया। नैब मुश्तरका टीम ने उनके तमाम तरह सवालात जो किए थे उनके जवाब वसूल करने के बाद उन्हें जो सवालनामा जारी किया उसकी हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर वो नैब को दोबारा जमा करवाए और नैब टीम ने तमाम तरह बयानात तलब बंद करने के बाद मशावरत के बाद अब दोबारा ख्वाजा ब्रादरान को पैरागोन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से तलब करेगी। जी सुहेल अब्बास बलोच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया।